फ्रेंड अगेन वेलकम टू माय चैनल साइंस स्किल। फिर से लाया हूँ इंडियन नेवी SSR-AA-MR साइंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं साइंस का। किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान क्या होता है? देखिए, मैं इसके पिछले वीडियो में भी आपको बता रहे थे कि डायरेक्टली सवाल आते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश आता है। इसका मतलब है कि आप चीज़ों को जो भी यूज पड़े ना तो उसको याद ही रख लीजिए। तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब आवेश होता है। नेक्स्ट है, एक प्रकाश सुग्राही धातु फाई का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का महत्तम गतिज ऊर्जा भी दिया हुआ है, तो आपतित फोटोन का ऊर्जा कितना होगा? तो दोनों का सम हो जाता है, 2.1 और 0.9 को जोड़ दीजिए, राइट आंसर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो चैडविक, याद रख लीजिए इसको क्वेश्चन को। निर्वात नली में गर्म फिलामेंट द्वारा उत्सर्जित कणों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका बनेगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है, टेंजेंट नियम के लिए दोनों चुंबकीय क्षेत्र होने चाहिए, तो एक तलीय समरूप अभिलंब तीनों होने चाहिए। टेंजेंट नियम तीनों पे काम करता है, तो इनमें से सही। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिघात रहे, प्रतिरोध रहे, प्रतिरोधकता रहे, सबका ऐसा मात्रक ओम ही होता है। प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा क्या किया जाता है? तो प्रेरण कुंडली द्वारा हाई वोल्टेज उच्च वोल्ट तक ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट है, एक माइक्रोफैराड धारिका के दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, और इनके यानी कि दो को एक एक माइक्रोफराइड समांतर में जुड़ा हुआ है, 0.5 माइक्रोफराइड वाला एक श्रेणी क्रम में है और तीसरा संधारित्र जुड़ा हुआ है, तो सबको समांतर क्रम का टोटल निकालेंगे और श्रेणी क्रम का, तो टोटल रिजल्ट आएगा 0.4 माइक्रोफराइड। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, सॉल्व कीजिएगा आंसर आएगा। नेक्स्ट है, दो कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 20 जूल है, तो दोनों बिंदु के बीच में विभव कितना होगा? तो भी बराबर फार्मूला Q/C, तो राइट आंसर 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, राइट आंसर बनेगा 10। नेक्स्ट है, 0.01 × 10⁻²⁺ मीटर विलग दो कलाबद्ध स्रोतों से इतना मीटर दूरी फ्रिंज स्रोतों से 1 मीटर की दूरी पर है, तो व्यवहार किए गए तरंग दैर्ध्य, तो इसमें भी फार्मूला बेस्ड है, इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह क्या है? तो इंद्रधनुष का निर्माण वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, तो राइट आंसर वर्ण विक्षेपण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकने जा रहा है, तो वो कौन से कारण है? तो ऑप्शन देखिए पता चलेगा, तो राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वेक्टर दिया हुआ है और दोनों के बीच में कोण निकालना है, तो A.B फार्मूला निकाल लीजिएगा, ए बी कॉस थीटा से, तो आएगा राइट आंसर दोनों के बीच का कोण π/2। नेक्स्ट है, किसी पिंड पर समरूप बल लगाने से कौन सी राशि स्थिर रहती है? तो समरूप बल लगाने से एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, तो राइट आंसर इसका त्वरण बनेगा। एक प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन है, 40 डिग्री प्रक्षेपण कोण से प्रक्षेपित कण का प्रास 20 मीटर है, तो 50 डिग्री प्रक्षेपण करने पर कितना होगा? तो राइट आंसर इज बी, फॉर्मूला बेस्ड, 20 मीटर होगा इसका राइट आंसर, मिला लीजिएगा क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल टी है और इसका गोलक धातु का है, जो ऋण आवेशित है, यह लोलक धनावेश धातु के प्लेट पर दोलन करता है, इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल ऋण आवेश का कारण इसका आवर्तकाल जो है बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले के अंदर दाब क्या होता है? दाब होता है तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, बुलबुले के अंदर जो दाब होता है साबुन का, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसी कारण बारिश का जो बुलबुले होते हैं या फिर साबुन का बुलबुले होते हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है उनके अंदर का दाब। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा क्या कितनी होती है? तो बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा है 42 केल्विन पर ग्राम। नेक्स्ट है, किसी गैस का आयतन रुद्धोष्म रूपेण बढ़ रहा है तो इसका ताप क्या होगा? तो दोनों इन्वर्सली होता है, और डायरेक्टली बोल सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रम अनुपाती होता है। गैस का अगर आयतन बढ़ रहा है तो इसका रुद्धोष्म रूपेण बढ़ रहा है तो इसका ताप क्या होगा? घटेगा, यानी कि ऊष्मा बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो ताप घटेगा। नेक्स्ट है, यदि इस पथ में ध्वनि का वेग 5200 मीटर/सेकंड है तो इसका गुणांक की गणना ज्ञात करें। फार्मूला बोल सकते हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, सॉल्व करने के बाद आंसर मिला लीजिएगा, इतना आंसर आ जाएगा N/m² में। नेक्स्ट है, एक केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, 2SO2+O2 को मिलाएंगे तो 2SO3 बनेगा, ये दोनों को बोल सकते हैं दोनों को जुट जाएगा, यानी कि तो कौन सा विक्रिया, प्रतिस्थापन तो प्रतिस्थापित हो जाती है, लेकिन ऐसे विक्रिया में दोनों का सम कर देते हैं। लोहा एक क्या है? तो लोहा एक धातु है। नेक्स्ट है, अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो अल्काइन का सामान्य सूत्र
CnH2n-2 होता है, अल्केन का याद रख लीजिए प्लस टू होता है, अल्कीन का CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। तो ये फॉर्मूला बेस्ट है 73 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेसारी मिली हुई दाल के सेवन से कौन सा रोग होता है? तो लेया इरिज्म, यानी खेसारी का जो दाल हम लोग यूज करते हैं उससे बीमारी का नाम है लेया इरिज्म। दालों को पानी से अधिक समय तक धोने से क्या होता है? तो विटामिन सी के पानी के साथ बह जाता है, इसीलिए सलाह दिया जाता है कि दाल को कोशिश करें कि ऐसे ही पानी में डाल दें, क्योंकि धोने से विटामिन सी जो है बाहर निकल जाता है। तो ये कंप्लीट हुआ। वेरी वेरी थैंक्स वीडियो को देखने।